इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ दो ही सवाल उठते हैं, या तो ये बंदा इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसे दहेज में ये कार मिली होगी, या फिर दूसरी चीज ये है कि भैया इसे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा होगा और सर्विस सेंटर जो है वो बंद रहा होगा। इन दोनों में से एक सिचुएशन तो हमेशा हर बंदे के साथ रहती है।